साल 2019 में ईडी ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की 3,68,00,000 की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्त की गई संपत्ति नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में मौजूद थी। ये कार्रवाई आज से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई थी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इनेलो सुप्रीमो को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई थी। आज फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया गया है। अब कोर्ट ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी। सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में मौजूद थे। इससे पहले 19 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस नए मामले में उन्हें एक बार फिर जेल हो सकती है। आपको बता दें जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में पिछले साल ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई थी। ऐसे में उन्हें 2 जुलाई 2021 को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर सीनियर चौटाला आय से अधिक मामले में फंस गए हैं।